दोस्तों, आज हम गोदड़ देव शिव मंदिर यहाँ पर आए हुए हैं। यह स्थान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक शिव मंदिर है और लगभग 800 साल पुराना है। यहाँ पर कुछ मंदिर, उसके अवशेष, कुछ मूर्तियाँ बची हुई है, इनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यह अंतराल, इतना हिस्सा बचा हुआ है। के स्तंभों की रचना देख सकते हैं आप, बड़े विशाल और ऊंचे स्तंभ है। यहाँ पर देखिए भारवाहक भी है, बने हुए हैं। एक के हाथ में वीणा लग रही है भारवाहक के। दूसरा हिस्सा यहाँ पर टूट चुका है, खंडित हो चुका है। देखिए यहाँ पर शिव जी की अर्वाचीन मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। और देखिए पीछे आपको मंदिर के प्राचीन अवशेष दिखाई देते हैं। इसे अंतराल कहा जाता है। देखिए शैव द्वारपाल दिखाई दे रहे हैं। गंगा और यमुना एक साइड में है और सुर सुंदरिया निधि इस जगह पे है, आप देख सकते हैं। तो इनको जो है स्त्रियों का पोशाक में बनाया गया, लेकिन ये पुरुष प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर दो जो है वो स्त्री प्रतिमाएं हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर गणेश जी भी है। इस प्रकार से स्तंभ काफी प्राचीन लग रहे हैं, लगभग 800 साल प्राचीन, 13वीं 12वीं 13वीं सदी के ये शिल्प बताए जा सकते हैं। लाट बिंब पर गणेश जी विराजमान है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे गर्भगृह, यह सभा मंडप के समतल से मतलब नीचे है, बहुत ही नीचे है। कुछ एक सीढ़ियाँ उतर कर वहाँ पर जाना पड़ता है। गोदड़ देव नाम से यह जगह प्रसिद्ध है। पार्वती का शिल्प है जो यहाँ पे होना चाहिए। अभी यहाँ पर शिव जी का दूसरा शिल्प रखा गया है। Thank you.
देख सकते हैं कि यह सभा मंडप जो यहाँ पर स्तंभ है वह तो प्राचीन लग रहे हैं, तो इसका कुछ हिस्सा ऊपर का जो गिर चुका था वो तो बाद में गांव वालों ने के बगल में ऐसी कुछ मूर्तियां खंडित रखी गई है। देखिए शायद यह विष्णु मंदिर का विष्णु मूर्ति का हिस्सा है। यहाँ पर कृष्ण का अवतार कल्कि अवतार देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, शायद यह बुद्ध अवतार यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर दत्त जी की बात की मूर्ति है और ये संभवतः विष्णु जी के शिल्प यहाँ पर खंडित शिल्प यहाँ पड़े हुए हैं। यह भारवाहक लग रहे हैं, ये टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए तो इस प्रकार से मंदिर है, प्राचीन मंदिर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मंदिर का शिखर है वह गिर चुका है और उसका जो नीचे वाला भाग है जंघा पोर्शन और जो अधिष्ठान वगैरह जो हिस्सा रहता है, देखिए कि यादव शैली में मतलब यादव के जो समय के जो मंदिर है उसी शैली का यह मंदिर दिखाई देता है। संभवतः यह भूमिज शैली का मंदिर बताया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ देवी देवताओं के शिल्प भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कुछ शिल्प जो है यहाँ पर गिरे हुए हैं, शायद एक कुंभ है और देख सकते हैं इसको क्लोजली। देखिए और यहाँ पर शायद संभवतः ये शेर है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए।